अभिवादन करें, अपने स्थान में बैठे रहें, बैठते हुए ही तालियों से भी हमारे अटल जी जब और मोदी जी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद रो तांकर जो राष्ट्रीय अधिवेशन होउछि एथिरे मते सेमाने अतिथि आकार डाकिकी किसी कहबार सुजोग देथवारु तांकु धन्यवाद दउछि आउ मु तो मते डाकिबार रेलिवेंसी एथि पई भी अछि जे तार मु स्टैंडिंग कमिटी डिफेंस रो चेयरमैन अछि तो से पई मु आसी करे तांकर संगे देखा साक्षात थली कथावार्ता कली मैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी वेटरन हूँ और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अदरवाइज मैं एक आर्टिलरी का तोपखाने का ऑफिसर हूँ। 1971 जून में मैंने कमीशन प्राप्त किया था। 1971 बांग्लादेश की लड़ाई में हम लोग ईस्टर्न सेक्टर में थे जहाँ सिलेट में हमने भारतीय सेना के इतिहास में फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया था और भारत के राष्ट्रपति ने मेरे को वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा था। ये हमारा एक संगठन है, पूर्व सैनिकों का संगठन है। इसका उद्देश्य बेसिकली मैं अगर तीन शब्दों में कहूँ तो सेवा, साहस और सम्मान। सेवा देश की और सेवा हमारे पूर्व सैनिकों की। साहस देश के ऊपर जो भी चुनौतियां आती हैं, हमारे समाज के ऊपर जो चुनौतियां आती हैं, परिवार के ऊपर उसका सामना करने की, और सम्मान राष्ट्र का और हमारे पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का। ये तीन शब्दों में अगर आप देखें तो ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेके हम लोगों की स्थापना 1995 में आज से करीब 27 वर्ष पूर्व हुई थी और हमने काफ़ी हासिल किया है। हम लोग के जो कुछ प्रकल्प हैं जिसमें कि हम वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना को रखते हैं, जिसमें कि हम वीरों की जो उनके गांव हैं, उनके शहर हैं, वहां पे जहां पे ये परमवीर चक्रा हैं, वीर चक्रा हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उन सब की भूमि में उनकी यादगार में स्मृति में हम लोग कोई लाइब्रेरी बनाते हैं या कोई ये स्टेडियम का निर्माण करवाते हैं या स्कूल का नाम उनके नाम पर करवाते हैं। ऐसी जगह जो कि हमारी युवा पीढ़ी को, अगले जनरेशन को प्रेरित करेगी राष्ट्र के प्रति, सशस्त्र सेनाओं के प्रति और देश में एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। हमारा उद्देश्य एजुकेशनल बिल्कुल नहीं है। हम राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र प्रथम जो हमारा, जब हम सेना में थे और सशस्त्र सेनाओं में थे जो उस वक्त मुद्दा था वही मुद्दा आज भी है, राष्ट्र प्रथम सदैव एवं सर्वदा, यही हम लेकर आगे चल रहे हैं। और उसी में अगर मैं कहूँ तो हमारा जो संगठन का मूल मंत्र है, एक हमारा संगठन गान है जो उसमें पूरा आपको उसका सार मिल जाएगा। हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं, देश की सेवा करते थे, अब देश सजाने आए हैं, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब देश में बॉर्डर्स पे थे, सीमाओं पे थे, उनकी रक्षा करते थे, आज जब हम पूर्व सैनिक हो गए हैं तो समाज की सेवा करेंगे, गांव की सेवा करेंगे, युवाओं के प्रेरित करेंगे और अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि भारत विश्व के जो पटल है उस पर शीर्ष स्थान पर पहुंचे। जनरल चतुर्वेदी जो आसंत नेशनल प्रेसिडेंट और टीम एटी ब्रिगेडियर राउत प्रेसिडेंट आम अखिल भारतीय सैनिक परिषद ओडिशा मुझे कोऑर्डिनेशन रे लास्ट तीन चार मास हला आमे मिसिकरी एटी केंती ओडिशा रे प्रथम थर हे रजत जयंती तो खत्म हो गला आउ फर्स्ट टाइम एटा ओडिशा रे 26 वर्ष रे हेछि एई 600टा एक्सरिसमेन आर्मी नेवी एयरफोर्स आउ वीर नारी वीर बहना वीर माता सब शहीद मान परिवार सब मिसिक कार्यक्रम सक्सेस 25 वर्ष रे मु निजे सेवानिवृत्त हमार मोर 17 वर्ष है एटी मोर 15 वर्ष अच्छी मुझे देखुची कि जो एड्रेस हो पार नहीं जो कथा गुड़ाक
रिमोट गाँ भितर रिप्रेजेंटेटिव मैंने आसुच्च आवेयर होती सब्थ फर्स्ट कथा अवेयरनेस हो गवर्नमेंटर के प्रकार स्कीम होती है लास्ट ये 8 वर्ष 9 वर्ष बहुत स्कीम होती से स्कीम गुड़ाक आप जरिया जाऊँच कितु आप जरिया भी किसी जब वंचित रही जाऊँगा ये क्लीयर इफेक्ट हो तीन दिन हुए फर्स्ट डे से हुए आ सेकेंड डे जमी आज चलती आ थर्ड डे जमी समापन हम गवर्नर आसुच्च आज जोल राम जी आसा परिषद तार जो रही अब्जेक्टिव गुड़ाक एम गुड़ाक एक्स सर्विस मान जो रही हाँ जो पावर को एनर्जी को कमी यूटिलाइज पुणी कर इंडियन आर्मी रु आसिकी एटी सेवा कर रहे थे हम अब देश निर्माण में हम आए हैं जगाना जमी अच्छी आठी जो अच्छी डिपार्टमेंट्स गुड़ाक जिते एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम गुड़ाक अणा जा जिनसटा मानने जोड़टा जो हूँ से जोड़टा मेन अवेयरनेस करा जो पिथौरागढ़ पहाड़ सेपटे रोचे से तार जो रिप्रेजेंटेटिव ये आसानी ओहो ये मेरा स्कीम है जी आज जमी गोटे एक्जामपल आज एक्जामपल हूँ 5000 10000 15000 20000 40000 50000 फ्रम स्कूल लेवल रु इंजीनियरिंग पर्यटन से वन टाइम ग्रांट मिलू अवेयर नए पैसा से प्राय प्राय बहुत अच्छी तो से जिन गुड़ाक जानते तो गोटे छोट जिन ईसीएचएस से जापारी दैट इज एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम जोटा कि अटल जी समय स्टार्ट होता आकीम हेड आसी बतईले स्टार्टिंग फ्रम आमर ओडिशारु सेमती भगवान न करू किंतु जदि हैला तो सेमने फ्री ऑफ कॉस्ट रे केमती हायर तांकर सब हो पार जोटा कि सीएचएस थिला सेटा अटल जी ईसीएचएस रे कन्वर्ट कले और सेटा प्रत्येक आमर डिस्ट्रिक्ट अच्छे ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ओडिशार सभापति अच्छी यह आप जो प्रांगण से स्वामीनारायण मंदिर प्रांगण रे जो कार्यक्रम देखुं यह आम वार्षिक साधारण बैठक थिला जहाँकि 25 रु 27 नवेम्बर चलो एंशग्रहण करने आज श्रीमान जुएल ओराम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस सी आसुचार आमको उद्बोधन देवाक आसंता काली को महामहिम आमर माननीय राज्यपाल श्रीजुक्त गणेश लाल जी सी आसवे आमको उद्बोधन देवाक आम इच्छुक और अत्यंत प्रतीक्षापूर्ण जे एप्रिका गणमान्य व्यक्ति आमको उद्बोधन देवाक आसुचार आपण जो देखिले यही तीन दिन भितर सारा भारत रु प्राय 700 आमर सैनिक भाई तथा आमर जो मातृशक्ति सैन्य मातृशक्ति 150 जन वीर नारी ए अंशग्रहण कर आग को मध्य आसंता काली करिवे यह आमर यथा जे प्रकार सबू कल्याण कार्यक्रम जो होमर जहाँ ज्ञात सकाशे जमी आमर ईसीएचएस आमर जो हेल्थ रो प्रॉब्लम स्वास्थ्य प्रॉब्लम तांकर एमडी आज आसते दिल्ली रु सी आमको उद्बोधन देले जहाँ कि आमर संदेह थिला आउ जो नुआ नुआ रूल रेगुलेशन थिला ता विषय रे कहिले तापर आमर जने आसते डायरेक्टर इंडियन आर्मी भेटरन सी आसते सी आम भेटरन के मैंने पूर्व सैनिक कौन कौन करें आउ कि प्रकार आमको सुविधा साहय से प्रदान करेंगे ए विषय से कहले आमर अधिवेशन ये तीन दिन भितर यही विचार विमर्श होमर जो प्रकार सुविधा सहूलियत आमर जेकोसी समस्या से समाधान करवा देश और जातिर केमती जो सेवा आम कर जारी रखा आम कदापि देश विरोधी कार्यकलाप लिप्त रहीबुना ए संकल्प नहीं आम कम करेस को गढ़ापी आहरी सुंदर करने आहरी उन्नत करने आम सदा सर्वदा तत्पर अच्छा आई भावन आमर सैन्य भाई मानू और जो सहकर्मी मानू आम से आमे तांको प्रोत्साहित करुचे जे ए सब कार्य केमती से माने लिप्त हबे देश जाति आमर ओडिशार अन्यान्यर केमती सुविधा हबो आम ओडिशार एटा प्रथम थर पे होउची आमर ओडिशार कला भास्कर्य आउ आमर नृत्य आमर जे कोनी सब प्रकार जिनस तांको देखा जाउची ओ तांकर भ्रमणर सुविधा सुजोग होइची ए फल रे निश्चित हबे पूरी समस्त जानते किंतु भ्रमणर जो अन्यान्य जो आनुषंगिक जिनस प्रति से सजग होती आम निश्चित भाव आमर टूरीजम बढ़ आमर देशर और आम ओडिया जातिर गौरव सारा भारत आ
ତାକୁ ମାନେ ବ୍ୟାପିତ ହେବ ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇଆ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି।